तो यार दोस्तों, कैसे कर रहा सब कुछ? मेरा नाम है लोकेश मटर, आप लोगों टेक मैकेनिक पे। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने विंडोज पीसी में अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शायद अपना आईपी एड्रेस चेंज करने की जरूरत महसूस हो, क्योंकि जिस लड़की को आप फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे थे उसके बाप ने आपकी चैट पढ़ ली और वो निकला साइबर क्राइम ब्रांच में। तो वो आपका आईपी एड्रेस उसको पता चल गया, वो आपके घर पे आएगा और आपके जूत लगाएगा। तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करे और आपके आईपी एड्रेस से आपके घर का एड्रेस निकाल ले, उससे पहले आप चाहोगे कि आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर दो। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने विंडोज पीसी में अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो यार देखो, अगर आप कोई डायल अप सिस्टम यूज करते हो, है ना, तो जब भी आप अपने मोडेम में से आपकी इथरनेट केबल निकालते हो और उसकी कोएक्सियल केबल निकालते हो और जैसे उसको वापस कनेक्ट करते हो, तो जितनी बार आप कनेक्ट कर रहे हो ना, उतनी बार आपका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है। क्योंकि डायल अप नेटवर्क में ऐसा ही होता है कि जितनी बार आप उसको डिस्कनेक्ट करोगे, जितनी बार कनेक्ट करोगे, हर बार आपको एक नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली मोडेम में से अपनी इथरनेट केबल निकालो और उसको वापस लगा दो, आपका आईपी एड्रेस चेंज। लेकिन अगर आप कोई ब्रॉडबैंड यूज करते हो तो वहां पे प्रोसेस थोड़ी अलग है, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे लेजेंडरी पीसी पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, तो आप दबाओ स्टार्ट। वैसे आप किसी और तरीके से भी चल सकते हो, क्योंकि हमारे रास्ते बने अलग हो लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। और जैसे आपका कंट्रोल पैनल खुले, फिर आपको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट में, और फिर आपको जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपको अपने लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिखेगा चेंज अडेप्टर सेटिंग्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपको अपने सारे नेटवर्क शो होने लग जाएंगे। तो फिर आप अभी जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आपको उस पर क्लिक करना है और फिर उस पर राइट क्लिक करके आपको जाना है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो एक नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और अभी ये है ओपटेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो अभी इसका जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आईएसपी द्वारा सेट हो रखा है, लेकिन हमको करना है मैनुअल। तो हम करेंगे यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे टिक, और फिर आप अपना कस्टम आईपी एड्रेस जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ डाल रहा हूँ 69 69 69 69, और अब आपको करना है ओके। तो अब आपको जो नया आईपी एड्रेस है वो सेट हो चुका है, आप चाहो तो उसको दोबारा ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हो और एक नया आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, तरीका अब आपको मालूम है ही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक कैसे काम करती है और आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो अपना आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए। क्या पता शायद इस ट्रिक से आपकी जिंदगी में कभी आपकी जान बच जाए, या फिर आपकी इज्जत बच जाए, या फिर दोनों, और उस दिन आप मुझे याद करोगे और आप मुझे एडवांस में थैंक यू बोल सकते हो इस वीडियो को लाइक करके। तो अगर आप उससे भी ज्यादा मेरा आभार प्रकट करना चाहते हो और आप जिंदगी में पहली बार मेरे अनमोल वचन सुन रहे हो, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबाओ। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में आराम से लिखो, घर की चीज है वो। तब तक के लिए गुड बाय, और रैंडम लड़कियों को रिक्वेस्ट मत भेजो,